सागवाड़ा शहर सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को शायद नहीं पता होगा, ऐसी जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन आइए चलते हैं देखते हैं। नजर आए तो चौंकिएगा नहीं, हम सीधे सीधे ऊपर चल रहे हैं और थोड़ा सा हमको डर भी लग रहा है। भाई कोई है तो नहीं अंदर? खुला है, खुला है, ये खुला है, कोई है तो नहीं? ओ माय गॉड। इस खबर के प्रायोजक है मोबाइल मस्ती। अब स्मार्टफोन खरीदना हुआ और भी आसान, बिना ब्याज के आसान किस्तों पर मोबाइल नंबर 9928587182 और आहार कार्ट एप्लीकेशन अपने मनपसंद की खाने की चीजें मंगवाए घर बैठे। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आहार कार्ट एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ नगर पालिका अंतर्गत महिपाल खेल मैदान में एक जिज्ञासा को लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ इसका महिपाल खेल मैदान का एंट्री भाग है। अब जिज्ञासा क्या हुई है ये आपको हम बता दें। सागवाड़ा शहर सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को शायद नहीं पता होगा, ऐसी जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें है क्या वो तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन आइए चलते हैं देखते हैं क्या है। एक बात आपको बता दूँ, इस वक्त हम जा रहे हैं सीधे इस बिल्डिंग के अंदर। इसमें मैंने जहां तक सुना और बोर्ड जो आगे लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ये वाचनालय था, तो एक बार देख लेते हैं। पुराने समय में इसको वाचनालय बनाया था। माय गॉड, आइए हम सीधे अंदर आ गए हैं, देख सकते हैं ये क्या हो सकता है। हमारे साथ कैमरामैन है राजकुमार डामोर। क्या लगता है आपको, क्या है ये? पाउडर जैसा कुछ लग रहा है और उसमें जो स्मेल आ रही है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि पानी में डालने का कुछ पाउडर है। आइए ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी डाल रखा है इसको। देखिए काफ़ी महंगी महंगी लोहे की रेलिंग भी यहाँ पर डाल रखी है। और ऊपर चलते हैं, कुछ ऐसा कुछ नज़र आए तो चौंकिएगा नहीं, हम सीधे सीधे ऊपर चल रहे हैं और थोड़ा सा हमको डर भी लग रहा है कि क्योंकि खंडर जगह लग रही है पूरी शहर के मध्य। ऊपर थोड़ा सा दिखाएं, वो देखिए आप, छत इसका प्लास्टर गिर गया है। सीधे हम ऊपर आ चुके हैं। भाई कोई है तो नहीं अंदर? खुला है, खुला है, ये खुला है, कोई है तो नहीं? लगता नहीं है कुछ। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या है। नगर पालिका सागवाड़ा श्री गौरीशंकर उपाध्याय वाचनालय एवं पुस्तकालय भवन का उद्घाटन हुआ था। माननीय गुलाबचंद जी कटारिया तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के थे। उनके कर कमलों के द्वारा कनकमल जी कटारा सांसद राज्यसभा की अध्यक्षता में दिनांक 11/6/1998। आइए अंदर चलते हैं। 1998 मतलब कि थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। 98 का मतलब 24 साल पुराना भवन है ये। आइए, बदबू आ रही है बाथरूम में, ये लेकिन बदबू आ रही है। चलिए इसमें ले लीजिए, आपके जस्ट पीछे। हाँ, मुझे आगे आना दो, बिल्कुल ठीक है। अब देख सकते हैं ये वाचनालय का ही एक भाग है। छत इसकी, पंखे उनके सब उखाड़ लिए गए हैं, वायर तोड़ दिए गए हैं, एक चेयर यहाँ पर पड़ी है सिर्फ, और फर्श इसकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है वैसे। आइए अब हम, ओ माय गॉड, देखिए आप देख सकते हैं शहर के मध्य स्थित है ये, और पुस्तकालय हुआ करता था नगर पालिका सागवाड़ा का। इसके यहाँ पर टेबल भी दिख रहे हैं, इधर एक टेबल और ये टेबल है, उधर वो चेयर पड़ी है, एक टेबल ये इधर दिखाएं, ये वाला टेबल थोड़ा सा और आ गया है, रैंक पड़ी है उधर, और कुछ पुस्तकें भी यहाँ पर पड़ी हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक आध पुस्तक निकाल के दिखाता हूँ, शायद क्या है ये, पुष्पांजलि, वैदिक पुष्पांजलि आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है ये। ये वाचनालय हुआ करता था और यहाँ पर इतनी महंगी महंगी, ये देखिए आप, और भी हैं बहुत सारी हैं यहाँ पर। क्या लिखा है, यजुर्वेद ऋग्वेद
यजुर्वेद, वेद पड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर वेदों की पूरी। हाँ बिल्कुल, वेद पड़े हुए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब महंगी महंगी पुस्तकें जो हमने कभी देखी नहीं होगी, ऐसी ऐसी पुस्तकें। क्या है ये क्रॉनिकल ईयर बुक 98, मतलब कुल मिलाकर आपको यहाँ ये ग्लास किस वजह से हैं, ये ग्लास पड़े हैं यहाँ पर, फिर भी हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, मतलब इतनी महंगी महंगी यहाँ पर किताबें पड़ी हुई हैं, लाइब्रेरी हुआ करती थी, रैंक पड़ी हुई। यहाँ पर हमारे आज़ाद हिंद की लड़ाई के बागड़ के गौरव स्वतंत्रता सेनानी गौरी शंकर जी उपाध्याय, इनकी एक प्रतिमा सुरक्षित है यहाँ पर, जो इस वक्त इस पुस्तकालय में पड़ी हुई है। बाकी सारी चीज़ें, बिल्डिंग हालांकि इतनी ख़राब नहीं हुई है, थोड़ा सा इसको रख रखाव की ज़रूरत है। सागवाड़ा शहर में जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये जो पुरानी, ओह माय गॉड, सर ये क्या क्या है, आइए देखते हैं इसको। कुछ पाउडर है, ये पाउडर है कुछ, और ये ग्लास में क्या है, ग्लास भी उल्टा पड़ा हुआ है। यानी कि एक बात इससे स्पष्ट हो रही है, पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। शहर के मध्य स्थित होने के बावजूद बिल्कुल शांत और खुला पड़ा हुआ है, कोई लॉक नहीं, कोई ताला नहीं, बिल्कुल खुलेआम यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए अब टेकिंग होल, बालक और बालिकाएं किसी ज़माने में यहाँ पढ़ा करते थे। ओह माय गॉड, देखिए ये स्थिति हो रही है हमारे सागवाड़ा शहर के मध्य। ऊपर पूरी छत उखड़कर बिखर चुकी है, सलिए निकल रहे हैं, हालांकि बिल्डिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, इतनी ख़त्म नहीं हुई है कि ये उखड़ के गिर जाएं, लेकिन इसको थोड़ा सा मरम्मत की ज़रूरत थी। मरम्मत अगर हो जाती तो ये शायद बिल्डिंग बच जाती। बिल्डिंग अभी भी आप देख सकते हैं, बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। इधर से हम देखते हैं थोड़ा सा महिपाल खेल मैदान का व्यू, यहाँ पर व्यू के साथ आ, देखिए ये चेयर भी अच्छी खासी नई की नई चेयर दिख रही है, थोड़ा सा व्यू दिखाएं, देखिए शायद महिपाल खेल मैदान का जो ये भाग है, अगर अच्छे से मेंटेन कर दिया जाए तो क्या बात है, यहाँ पर एक अच्छा सा नज़ारा प्रस्तुत होता है अगर इसको सही तरीके से मेंटेन कर दिया जाए तो। बहुत सारी चीज़ें हम नई नई बनाते हैं और नए नए विकास के कार्य करते हैं, लेकिन पीछे का जो भाग है वो छूट जाता है। यहाँ जिस तरह से हमने देखा कि महिपाल खेल मैदान के एंट्री गेट के ऊपर जिस तरह से एक बिल्डिंग बनी हुई है, और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, देखने में भी काफ़ी अच्छी है, अभी हाल फिलहाल इतनी ख़राब नहीं हुई है, फिर भी इसके बावजूद ही इस बिल्डिंग को जिस तरह से हमने देखा जर्जर हो चुकी है और धीरे धीरे टूटने की कगार पर है, इसमें जो जो चीज़ें हमने देखी, काफ़ी महंगी महंगी पुस्तकें यहाँ पर पड़ी हैं और इनका कोई रख रखाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सागवाड़ा शहर के मध्य, आप सबको नहीं मालूम होगा यहाँ पर क्या है, लेकिन ये हमने आपको दिखाया। इसको संज्ञान में लेकर नगर पालिका सागवाड़ा कुछ कदम उठाए, इसको सुरक्षित करे, और अगर कोई योजना बनाती है या योजना बन चुकी है तो फोटो भी पड़े हुए हैं कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एल्बम टाइप है पूरा, कुछ पुराने फोटोस वगैरह हैं, जो ये फोटो हैं कुछ यादगार रंग हैं, थोड़ा सा इसको हम उधर पीछे चलिए रोशनी में देखते हैं क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। बिल्कुल ये फोटो लगे हुए हैं, ये देखिए पुस्तकालय नगर पालिका सागवाड़ा है ना, यहाँ रख देता हूँ मैं इसको। अब देखिए इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो हैं, ये पता नहीं उस टाइम के हैं, अब कौन कौन है इसमें तो हम भी नहीं पहचानते, लेकिन है काफ़ी सुंदर। इसको थोड़ा सा संभाल के रखा होता तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहता। फिर भी एक बार हम जिस तरह से हमने यहाँ का ये दौरा किया और हमें लगा कि वास्तव में इसकी रखरखाव की जानी चाहिए, और ये शहर के मध्य है, साथ में महिपाल खेल मैदान के पास में है, तो इसको थोड़ा सुरक्षित कर दिया जाए तो हमारे लिए, सागवाड़ा शहर के लिए काफ़ी रौनक आएगी। तो हमारा विनम्र अनुरोध रहेगा सागवाड़ा शहर नगर पालिका से कि इस तरह से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने
हमारे देश को आज़ाद कराने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया था, और जिस तरह से ये भवन बना है, उस भवन में जिस तरह से हमने देखा खंडर हो चुका है या टूटने की कगार पर है, तो थोड़ा सा इसको कोई भी योजना अगर बन रही है या अगर कोई ऐसी योजना है इसको डेवलप करने की या ऐसा कुछ भी, बहुत बड़ा हॉल है ये, बहुत अच्छा है, अगर इसको थोड़ा सा डेवलप कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और कोई यहाँ पर डिपार्टमेंट भी खोल सकते हैं आप, कोई रह भी सकता है, या वाचनालय अगर खोलना चाहें तो वापस इसको डेवलप कर सकते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डमोर के साथ अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इसके साथ ही कल विश्व आदिवासी दिवस है, आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, वागड़वासियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।